आज हमारी किचन में बनने जा रही है लौकी की लौ जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी के भोग के लिए। तो इसे बनाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या 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 सामान लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लक्ष्मी बबीता किचन में हम लौकी की लौ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो लौकी ली है। इसको मैंने अच्छी तरह धोकर छील लिया है। अब मैंने ले लिया है एक कद्दूकस। इस लौकी को मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये ध्यान रखें कि आप कच्ची लौकी लें, पकी ना लें। कद्दूकस की सहायता से अब मैं इसको कस लूँगी। ये लौकी ज़्यादा लंबी है तो मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। 2 हिस्से करके मैं एक हिस्से को कस लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी पूरी लौकी को मैं कस रही हूँ। ये मैंने अपनी 2 किलो लौकी कस ली है। कस के इसको मैंने एक छलनी में डाल के इसका सारा पानी निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत पानी होता है। इसको मैं अच्छी तरह हाथ से अपने दबा दबा के, आप चाहें तो इसे किसी कपड़े की सहायता से भी, कॉटन का कपड़ा लेके उसमें डालकर उससे भी दबा दबा कर इसका पानी निकाल सकते हैं। देखिए, अभी भी इसमें से काफ़ी पानी निकल ही रहा है। इसमें काफ़ी पानी होता है। अब इसका सारा पानी निकल चुका है बिल्कुल। अब इसको मैं हाथों से खुला खुला कर दूंगी थोड़ा सा। अब मैं इसको पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लूँगी। इसका कलर भी साफ़ हो जाएगा। जो इसमें थोड़ा सा कालापन आ गया था वो भी निकल जाएगा, और जो लौकी की थोड़ी सी खुशबू होती है ना, वो भी इसमें से निकल जाएगी। और हमारी लौज एकदम बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको मैं अच्छी तरह निचोड़ के एक जाली में रख लेती हूँ, और इसको मैं 3-4 बार इसी तरीके से धो लूँगी। अब मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, और मैंने लिया है 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। इसको डाल देती हूँ मैं सारे को कढ़ाई में, और इसको हम कुछ देर के लिए बॉईल करेंगे। मैंने सारा पानी लौकी का अच्छी तरह निचोड़ कर निकाल लिया है पहले की तरह। अब मैं दूध में थोड़ी देर उबाल आने दूँगी। जब हमारा दूध अच्छी तरह उबल जाएगा, अब हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, पहले से कम भी हो गया। अब इसके अंदर मैं अपनी वो निचोड़ी हुई लौकी सारी डाल दूंगी इसमें। अब मैं दूध के साथ सारी लौकी को मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह, और गैस का फ्लेम कर देती हूँ मीडियम, और इसको अच्छी तरह पकने देते हैं, जिससे हमारी लौकी अच्छी तरह दूध के साथ पक जाए। और ये जल्दी से ही पक जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब 25 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं अब चला कर देख लेती हूँ। अब ये गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम अब चीनी ऐड कर देंगे। चीनी के बाद अब इसमें मैं फ्रेश कूट कर इलायची पाउडर डाल दूँगी। ये मैंने आधा नारियल ले लिया है सूखा वाला गोला। इसको कद्दूकस करके मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। इससे हमारी घिया की लौ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं डालकर ये सब सारा सामान अब इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह। देखो, इसका पानी भी सारा दूध सूख चुका है। अब ये गाढ़ा हो रहा है। ये मैंने काजू किशमिश डाल दिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब डाल देंगे हम इसमें लंबे कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए। ये देखिए, हमारे लौकी की लौ का कलर कितना सुंदर आ रहा है। मार्केट जैसा ग्रीन तो नहीं है, लेकिन हमें कौन सा ये बाज़ार में बेचनी है, हमें तो कान्हा जी के भोग के लिए चाहिए, तो हम इसे ओरिजिनल ही बनाएंगे। इसमें कोई कलर वगैरह नहीं ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको मैं इसमें बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं इसे काजू किशमिश बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर लूँगी। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है घिया की लौ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।